बकायदा तौर पर सारी तरह की जी गलबात करते हैं। मैं उन्होंने बेनती करा, वो आल इंडिया के किसान फेडरेशन जी आल इंडिया है, वो प्रधान ने साथी प्रेम सिंह पंगू जी। बहुत ही सत्कारयोग वख वख जथेबंदियों के आगू साहबान पंडाल विच हाजर भैणों ते भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं दो तीन जानकारियां सांझी करन दे लई तुहाडे विच हाजर होया, बहुता लंबा समा लैना नहीं, दो बेनतियां संखेप च करनियां ने। एक तां इह है कि जदों दा मोर्चा खेती कानूनां दे खिलाफ इत्थे लग्गिया पिछले तीन महीनों तो, दो तीन दिन तक अपन तीन महीने हो जाने ने, पंजाब पहला तीन महीने लड़े तो तीन महीने लड़ाई इत्थे जारी है। पर सरकार उस वक्त तो ही बड़ी यतनशील है कि इस मोर्चे को कित ना कित भड़का दिता जाए। बड़िया कोशिशां कीतियां, कुछियां चालां चलियां हुण तक कि मुद्दे तो भटक जाण, किसी तरह मुद्दे तो पर रहे ना। थोड़े सामने सारा बयान नहीं करना कि किन्ना 26 का घटनाक्रम नहीं, उस तो पहला जिहड़े घटनाक्रम बहुत डूंघे सन। सानू NIA दे नोटिस जिहड़ी ऐसी एक खतरनाक एजेंसी है जो उन्हां लोकां दी पुछ पड़ताल करती है जां इन्वेस्टिगेशन करती है जो वक्खवादी हुंदे ने जां अतवादी हुंदे ने, किसानां दी नहीं करती। वह NIA एजेंसी ने एक अजिहे केस के तहत जिहड़ा केस 6 महीने पहला विदेशां च बैठे जड़े वक्खवादी लोग सन उन्होंने खिलाफ दर्ज होया, और उहदे विच ही साढ़े सत्कारयोग किसान आगूआं नूं, सत्कारयोग डाक्टर साहबान नूं, लंगर की सेवा करन वालियां नूं, बसां की सेवा करन वालियां नूं, कलाकारां नूं ते होर किन्ने लोगों पत्रकारां नूं उहदे विच नोटिस कढ़े धड़ाधड़ सहम फैला के रख दिता। साडी मीटिंग च आउणा हमेशा मैनूं पुछदे आ देखो जी FIR दर्ज होगी साढ़े खिलाफ, असी पढ़िया भी FIR कोई नहीं। ये किसी FIR दे जिहड़ी पहला दर्ज हुई उहदे विच इक नोटिस है डराण दे लई, पुलिस कहिंदे भी आओ हाजिर हो, जे हाजिर हो गए तो केस दर्ज करके जेल की काल कोठड़ी दे विच। वह बड़ा सहम फैलिया, असी सरकार नाल मीटिंग की, मीटिंग सब तो पहला ही उठाया। सरकार ने उस तरह जिस तरह मकारी हुंदी है, कहिंदे जी सानूं तां पता ही कोई नहीं, जबकि नोटिस धड़ाधड़ जारी सन। जदों ध्यान दे विच आए सी मीटिंग की कि नोटसां दा मुकाबला संघर्ष करके एकता करके जे एडे वड्डे किसानां ने मत्था जिहड़ी सरकार दिल्ली दी है, और जिहड़ी सब तो वड्डी बहुसंमति दे नाल एक एडी हंकारी हुई सरकार है उहदे खिलाफ मत्था लाया, तां इह नोटसां कुछ भी नहीं। असी अगले दिन प्रैस दे विच कहा कि नोटसां दी परवाह ना करो, किसी ने कोई हाजिर नहीं होना, असी कोई परवाह नहीं करनी, रद्दी टोकरी सुट्टो, तो नोटिस आने बंद हो गए। आ दसो उस तो बाद किसी नोटिस नहीं आया NIA का, सारे बंद हो गए उत्थे, क्योंकि टाकरा किया अपने संघर्ष से एकता दे नाल। सरकार ने बड़ी कोशिश की कि इस अंदोलन कदे वक्खवादी कहीए, कदे खालिस्तानी गर्दानी है, कदे नैक्सलाइट कहीए, कदे कहा जी कामरेडा ने हाईजैक कर लिया लाल झंडे वाले ने, भी किसी ना किसी तरह ये मुद्दे तो भटके। पर मुद्दे तो भटकया नहीं, ना तुसी मुद्दे तो भटके, ना पंजाब हरियाणा और देश के वख-वख कोनों च रहिंदे लोग मुद्दे तो भटके। वह रहे कि पार्टियां जिन्नी मर्जी होण, धर्म जिन्ने मर्जी होण, जातां जिन्नी मर्जी होण, पर असी किसान हाँ सारे, सारे किसी भी पार्टी च कम करदे लोग, किसी भी धर्म के विच विश्वास रखने वाले लोग, सारिआं कोल जमीनां ने, सारे थोड़ी या बहुती जमीन के मालिक ने। इस तो अलावा मजदूर भरा ने जड़े कहिंदे ने जी मजदूरां तुसीं नाल क्यों नहीं लैंदे, मजदूर होण, नौजवान होण, विद्यार्थी होण, समाज का कोई भी वर्ग होवे वह खेतीबाड़ी दे नाल बनिया होया, जे खेतीबाड़ी ना होवे मंदा पै जावे तां सारे बाजारां च मंदा पैंदा, किते भी कुछ नहीं हुंदा। एक मिनट लई बस, आ गई तां किते भी कुछ नहीं हुंदा, इसलिए वह सारे ही साडे नाल सी। ऐसा तुसी देखो कोई दिन नहीं जदों भावें डाक्टर होण, वकील होण, नौजवान विद्यार्थी होण, आ भैणा बैठिया ने वड्डी गिणती दे विच जदों इत्थे हाजिर ना होना, हाजरी ना लवाण। इहदा कारण स्पष्ट है, क्योंकि खेतीबाड़ी खेत्र ऐसा है
कि सारी आर्थिकता ये बनी हुई है, हर वर्ग संबंध है, जे ये बर्बाद हुई तो सारे की बर्बादी है। सो सरकार जिहड़ी पटकाना चाहती सवाल से वह भी नाकामयाब हुई। अज होर साढ़े सामने है कि खेती मुद्दे के पर गल ना हो, इन्हों एक जाबर ऐसा करो, जेलों के इन्हों फड़ फड़ के जेलों बंद करो, जेड़े जेलों च नहीं गए उन्होंने पर रोजाना नोटिस कढ़ो, ता कि डर ऐसा फैले कि देखो जी अंदोलन करके हो रहा, असी तो अंदोलन चाहते नहीं। सानू कई बार पूछ लेंगे ने कि नोटिस आया जी, असी सिंघू बार्डर आईए कि ना आईए, कि सानू कोई डर तो नहीं कोई गिरफ्तार करेगा? ये दूजा रस्ता है। हुण 26 तरीक तो बाद जिहड़ी साजिश तुसी फेल की, सिखां नू हिंदुआं नू दूजे फिरके नू आपस दे फिरकू पाड़ा पाण दी, पंजाब ते हरियाणे दे विच आ हरियाणे दे साथी सी, यूपी वाले साथी सी, ये तिरंगा लैके बहुत वड्डी गिणती दे विच हजारां ट्रैक्टर इकट्ठे करके क्यों इत्थे आए? ये सुनेहा देण आए कि पंजाब हरियाणा सिख हिंदू होर भी जिहड़ा फिरका होवे वह सारे एक ने, उन्होंने कोई ऐसा पाड़ा नहीं जिहड़ा सरकार पाउणा चाहुंदी है। इहनूं खंडन कीता, इहदा फेल होया सरकार दा तकंडा, पर अज जबर दे नाल सरकार तुरी हुई है। और जबर ऐसा है, साडे किन्ने जिहड़े किसान ने वह जेलों के बंद ने, तुहानूं पहलों भी दस्सिया 45 किसान अज 15 जेल दे विचों रहा होणे ने, रात नूं 10 बजे उन्हां दे तहत 45 किसान जिहड़े बहुत ही गंभीर धाराओं दे विच जेलों च बंद ने, वह जेलों च बाहर आ जाणगे। दूजा जिहड़े नोटिस ने, असी रस्ते दोए अपनाए कि कानून का रस्ता भी अपनावांगे, कानून के जरिए भी सरकार के झूठे केसां नूं मात देनी है, क्योंकि जिन्हें झूठे परचे ने जदों जजां दे सामने जाने उच एविडेंस कोई नहीं, वह सारी झूठिया स्टोरियां बना के खड़दे ही कितें नहीं, अदालतों के सामने सारे फेल हो जाते हैं, इसलिए धड़ाधड़ जमानतां हो रही ने। आ नोटसां के बारे भी बड़े आए, पहलां तां मैं कहिंदा रहा कि नोटसां की परवाह ना करो, अपने पेश नहीं होना। अजे भी मेरा तुहानूं कहना है, पंजाब चों सवेर दे मेरा ख्याल है 20 फोन मैनूं हुण तक आ चुके ने, मैं कहा भी कितें पेश नहीं होना, जे पेश हो गए तो झूठा परचा पा के जेल च भेजणगे। तो असी वो तीन नोटसां नूं कोर्ट चैलेंज किया, सैशन जज की कोर्ट के विच, कि सानूं दस्या जाए तुसीं नोटिस दुबारा कढ दिओ, साडे खिलाफ एलीगेशन की है, की दोष है, किहड़ी FIR साडे खिलाफ है। वह कोर्ट ने नोटिस स्टे कर दिते ने अज ही सवेरे, इन्हां च कुछ भी नहीं है, इसलिए बहुत वड्डी गल है। मैं कहना भी सरकार दे और पुलिस दे जिहड़े मूँह दे उपर चपेड़ है बड़ी वड्डी, जिहड़ी लोकां नूं डरा रही सी, इसलिए डर खत्म हो जाना चाहिए। एक तो रस्ता एक कानूनी है, देखो कानूनी रस्ता भी लड़ाई लड़नी पैंदी है, जिवें संघर्ष है, कोई संघर्ष अपने ग्राउंड ते भी लड़ना है और टेबल टाक च भी लड़ना है। जे टेबल टाक च फेल हो जाइए तो मैदान ते जितते हुए संघर्ष भी फेल हो जाता है कई बारी। ता ही थोनू बड़ी वारी कहा कि जिनी वारी भी सरकार ने गल की, साडे सत्कारयोग आगूआं ने दलील दे के एक कानून दे पर सरकार नू पछाड़िया, सरकार नू लाजवाब किया। तो इसलिए इस तरह अज असी उस जबर का भी तुसी अखबारों च पढ़े, कल फैसला किया संयुक्त किसान मोर्चा ने कि जिथे कानून की प्रक्रिया जारी है असी लड़ाई लड़ रहे उहदे खिलाफ, और कोर्टां इंसाफ भी दे रही ने कुछ ना कुछ हद तक सानू, पर इस दा टकरा असी संघर्ष करके करना है, इस दा टकरा एकता नाल करना है, अपनी लड़ाई दे सदका करना है। 24 तारीख नू सारे पंजाब हरियाणे च सारे देश दे अंदर ऐलान किया, अखबारां छपिया, मीडिया च कल आया कि वड्डे कट करो जिला केंद्रां दे उत्ते, और एक एक मेमोरेंडम, होर कोई मंग नहीं रखनी, मंगा तीन रखनी ने केवल, सारे जेलों च बंद किसानों नू बाहर कढ़ो, सारे जड़े झूठे परचे ने रद्द करो, सारे जड़े नोटिस दे रहे उन्होंने सारे नू वापस लाओ। चौथी गल यह है, आ जड़े बैरीकेड ला रहे हैं, तुसी सारे देखते हो रोजाना, पहला सी हुण पक्के कंधा करके बैरीकेड ला जा रहे हैं, हर रोज़ एक रस्ता, असी दिल्ली नू जाने रात नू, जदों वापस आईए तो वह रास्ता बंद, 10 किलोमीटर घूम के दूजे पासे नू आओ। ये हो की रहा है? सरकार का की मंतव है? इस तो मंतव है थानू परेशान करना, थोनू हरैस करना, डर पैदा करना, ता कि मोर्चा बिखर जाए या पंजाब तो मोर्चे लोग ना आन। इन्हां चार चीज़ों के खिलाफ 24 तारीख नू सारे जिला केंद्रां दे विच सारे देश दे अंदर वड्डे धरने मुजहरे होणगे, और DC नू मंग पत्र दे के राष्ट्रपति नू भेजे जाणगे, क्योंकि संविधानक हैड है जिहड़ा साडे देश दा
वह राष्ट्रपति है कि सरकार एडा वड्डा जबर बेकसूर बेदोषे लोगों के पर कर रही है, ढा रही है रोजाना, ये पर रोक लाओ और वह परचे सारे रद्द करो। ये वड्डे इकट्ठ करने ने 24 तारीख को। अगली गल यह है कि कल पत्रकारों ने पूछा, असी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछी की तो कह लगे कि जी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिता है कि 2 साल ही असी रोक लवा दें कानूनों के उपर, थोड़ा कहना की है? मैं कहा 2 साल रोक नहीं, सरकार तो 3 साल भी लाने तैयार सी, अच्छा तो 3 साल भी नहीं मने। साडा तो मुद्दा कानूनों रद्द कराना है कि कानून बने ऐसे ने जो रोक लग जाए तो रोक लाने तो बाद उस तो बाद फिर लागू हो जाए। ये लड़ाई जड़ी संसार पद्धर की लड़ाई है, लोग इन्ना तन मन तन परिवार दे परिवार छड़ के इत्थे बैठे है तो दोबारा फिर असी लड़ाई शुरू करांगे। जे कानून गलत ने, तुसी समझदे हो 3 साल रोक लग गई तो इहदा मायना भी कानून का गलत ने ना। तुसी सोध करना चाहते सी उहदा मायना स्पष्ट है भी कानून नाल खामी है गलत ने। जिहड़ा तोमर अजे भी कहे जांदे भी कानून ने तो बताया ही नहीं किसान आगू ने कहां पे इसमें काला है, तो आप ही कही जाते हैं। वो जे 2-2.5 साल रोक लाने कहते हैं तो यहाँ महीना भी कानून माड़े ने। जे सुप्रीम कोर्ट तो रोक लवाते हैं महीना भी यह भी कानून माड़े ने। इसलिए जो कोई माड़ी चीज़ गलत है तो गलती मनो और गलती मन के उसको खत्म कर दो। ये क्यों कहते हो कि तुम किसानों पुछ के कानून बनाए? 2018 का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वह मता एक बड़ा स्पष्ट जिदे साड़ी सरकार ने साइन किए हुए ने, वह मता यह कहता है कि जे खेती संबंधी कानून बनाने ने किसी देश ने तो उन्होंने किसानों की पहला राय ली जाए, नहीं तो कानून गलत हो। इसलिए एड्डी वड्डी संस्था अंतरराष्ट्रीय पद्धर की जिन्हों सारे देश मनते हैं, साडे देश ने उहदे पर साइन किए हुए ने, उहदी उलंघना करके एडे 3 काले कानून साढ़े पर ठोस दिते तो कि घोर बेइंसाफी है। मनुखी अधिकारों की भी उलंघना है, संविधान की भी उलंघना है। इसलिए प्यारे साथीओ ये सारिया चीज़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैं कहा प्रेस के जरिए, मैं कहा भी कानून तो पार्लीमेंट बने ने और सेंटर गौरमेंट ने बनाए ने। इसलिए मुख्यमंत्री साहब न पूछो जे उन्होंने अधिकार दे विच है कि कानूनों के पर रोक ला सकते हैं तो वह दस देन। मेरे अनुसार तो पार्लीमेंट का बनाया कानून पार्लीमेंट रद्द कर दी है या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दी है या सेंट्रल गौरमेंट को अधिकार है उन्होंने पर रोक लाने का, किसी सूबे के मुख्यमंत्री नहीं है। तो दूजा सवाल उन्हें इस तो बाद किया कि देखो जी 1 महीना हो गया, हूँ 1 महीने तो डेडलॉक चल रहा है, नैगोसीएशन हो नहीं रही और मोदी कहता एक फोन कॉल की दूरी पर है, हम किसान तो गल ही नहीं करते। असी कहा किसान गल करते हैं, 11 गेट की गलबात के अंदर किसानों ने कदे गलबात ठुकराई नहीं। एजेंडा सरकार ने तय करना है, कानून असी नहीं बनाए, कानून पार्लीमेंट ने बनाए, मोदी की गौरमेंट ने बनाए। जदों चाहणगे एजेंडा देणगे, टाइम देणगे, डेट देणगे, प्लेस देणगे तो मीटिंग लई जावांगे। 11 मीटिंगां च गए हां, उहदे लई जावांगे, जाके बाद लील अपनी गल रखांगे। ये तो है नहीं कि असी जाके विज्ञान भवन बैठ जाइए, कहिए जी असी मीटिंग लई आ गए, सरकार कहे हमने तो कोई समय नहीं दिया आपको, तो यह कहो जहा हो हासोहीणी गल। तो प्रेस वाले इहदा भी कोई जवाब नहीं सी। तो अगली गल फिर कहन लगे कि मोर्चा तुसीं सिंघू लड़ना कि पंजाब च लड़ना है। यह गल बड़ी महत्वपूर्ण सी, ध्यान नाल सुनियो, आपां किसी इल्जाम नहीं लाना। जे मोर्चा सिंघू बार्डर ते जमया सी 3 महीने पहलां, भीड़ां लगियां सी इत्थे, तां वर्ल्ड दे विच सारे देश एक एक करके सारिया जथेबंदियां सारे पार्लीमेंट दे मैंबर इक्को आवाज़ सी कि लोग बैठे ने लखां दी गिणती दे विच। बीबीसी ने खबर दित्ती सी इक कि सारे बॉर्डर दे उपर आ सिंघू है, टिकरी है, उदों सी 5 बॉर्डर दे उपर भरवीं गिणती च बैठे सी, वह कहिंदे 12 लख किसान है जिहड़ा एजीटेट कर रहा सारे बॉर्डर दे उपर। बीबीसी ने खबर दित्ती सी, जिहड़ी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हुंदी है और भरोसेयोग हुंदी है। इसलिए अज हालत है जिहड़ी, अज हालत वह नहीं, भावें कम का टाइम है जां कोई होर कारण है। प्रेस वाले पुछना चाहते सी असी कि आया नहीं भी लोगों ने कुछ थोड़ी रोटेशन बनाई है, 10 जाते हैं 10 आते हैं, पर अगे कम का भी टाइम आने वाला है। इसलिए यह मोर्चा जिहड़ा सिंघू है यह धुरा साढ़े सारे मोर्चे का, भावें मोर्चे जिन्ने मर्जी चलते हो, जे ये धुरा कमज़ोर होया तो सारा मोर्चा कमज़ोर होएगा,
जिन्नी हवा संसार पद्धर ते बनी सी और सरकार चुकी सी एक एक पल करके ताही दा सरकार ने दड़बटी एक महीने तो हुण। इसलिए मेरी बेनती है कि आपां ना बहुते घट पंजाब च करिए ना हरियाणा च करिए, पंजाब दा हरियाणा उहदा साडे नाल इक ढाल बन के खड़ा है शुरू तो। आपां इक वारी इत्थे मीटिंग करके सद्दा दईए, एक पंजाब दे विच पत्ता नहीं हिलदा, पंजाब च किसे सड़क ते आवाजाही नहीं हुंदी, सारा बंद होके रह जांदा है। सानू अज लोड़ कित्थे है? लोड़ आ यूपी दे विच है, जिथे धक्का हो रहा है, टकैत नाल भी कीता है, बीजेपी की सरकार है, उत्थे वड्डियां पंचायतां वड्डे कट किए जाण, होर सूबे दे विच जिहड़े बाहर ने उन्हां च वड्डे कट किए जाण, तां कि लोग वड्डी गिणती दे विच मोर्चों दे विच आण। जे वड्डी गिणती च लोग मोर्चों दे विच आणगे तां जल्दी मैं कहिंदा बहुत वड्डा दबाव है जिहड़ा ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਊਗਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ 27 ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੋਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੰਘੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣੀ। ਇਸ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਛਿੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। 15-20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਹੋਰ ਵਾਢੀਆਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਓ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਈਆਂ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਘਟਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੀੜ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੀੜਾਂ ਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪਛਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਛਾਣੋ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ, ਆਓ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭੀੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਈਏ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਗੂ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, 3 ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
खेती विज्ञानी डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला नूं, उन्हां ते बाद बलकरन सिंह जी बराड़ सूबा प्रधान कुल हिंद किसान सभा अजय भवन वह तैयार रहन साथी सतनाम सिंह जी नाल। बंदे उच्चे उच्चे होने मंच से बैठे आगू साहबान तो बहुत ही लंबे समय तो तकरीबन 3 महीने हो गए आ, बहुत ही जुझारू साथी मेरे किसान वीरों भैनों भराओ, मैं सब तो पहला कल का साडा कुछ मन भरिया होया। मेरे नाल ही जनाला खेत्र विच अमृतसर खेत्र विच पहला असी बहुत लंबा समा सांझा जीवन हंडाया, उन्हों श्रद्धांजलि भी भेंट कर दी गई आ। दतार सिंह सूबा प्रधान किरती किसान यूनियन पंजाब का आगू सानू विछोड़ा दे गया, सो मैं उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करदा। वो भी मोर्चे का शहीद बन गया। कल 3:45 विरसा विहार वो आम रोजाना ही मीटिंग होंदिया ने, अरदासा होंदिया ने भी मोर्चा चढ़दी कला च रवे, साड़ी जित होवे, ऐसा ही एक प्रोग्राम चल रहा सी। उहदे च बोलदे बोलदे अद च कहिंदा मैं हुण बोलना नहीं, जदों कुर्सी ते बैठा ते डिग पिया, उत्थे ही मौत हो गई। सो मैं कहूँगा जो सारी जिंदगी पराई पीड़ नूं अपनी बनाउंदे तुर गए, उस समय की तली ते सूहे सतारे तर गए। सो अज उहनूं असीं सारे श्रद्धा के फुल भेंट करते हैं। बड़ा लंबा जीवन सी उहदा, उह चढ़दी जवानी तो हुण तक संघर्षां विच ही रहा है। मैं अगे गल तोरदा भई जिन्नियां साडियां वार्तालाप होईआं ने, गल्लां बातां सरकार नाल होईआं ने, उस च एक गल बड़ी सामने आई है भी जे असीं MSP का कानून बना दिंदे आ, असीं सारियां चीज़ां खरीद करदे आ, इन्हां कानूनां नूं रद्द करदे आ तो सानूं 17 लाख करोड़ रुपया लगेगा। बड़ा कोरा झूठ मार रहा है, बहुत कुफर कढ रहा है। जदों के खेती विज्ञानी मैं भी उन्हां चों एक नमाणा साथी हाँ, बहुत विश्लेषण किया, बड़े लेख आए दिते, गान भी लिखांगे, जेकर कणक ते झोना सारे हिंदुस्तान दा विचे मध्य प्रदेश जिते जिते कणक पैदा होंदी, जिते जिते चावल पैदा होंदा, जे लै जाण तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपया लगता। मेरी गल नाल सहमत जे तुसीं, सारा 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 बहुत घट पैसा लगता। जेकर ये दालां भी पा लिया जान, तेल पा ले जान, सरों तोरिया सूरजमुखी का इस तरह होर फसलां पा लिया जान ते 4.25 लाख करोड़ रुपया लगता। वो 4.25 लाख करोड़ लगता नहीं, कहण नूं लगता। वो एक रोटेशनल मनी, एक फंड स्थापित हुंदा, उहदे चों खर्च हुंदा जांदा ते आउंदा जांदा ते खर्च हुंदा जांदा। मैं तुहानूं दसना चाहुंना कणक लै ली, उहदे चों बड़ा थोड़ा ए PDS सिस्टम जिहड़ा गरीबां नूं वंडदे, बड़ा थोड़ा हिस्सा वंडदे, असीं इहने ज़्यादा वंडो, मुफ्त दिओ उहनां नूं, पर बाकी दी कणक जिहड़ी आ उह चक्कियां 'च जांदी आ। बाहरले मुल्क साढ़े 13-14 मुल्क आ, वह कहिंदे उह सानूं कणक भेजो, पहला नहीं सिखांदे हुंदे, जिहड़े अरब मुल्क जिहड़े 12-14 अरब मुल्क आ, वह कहिंदे अग्गे उहनां नूं कणक नहीं, चौल चाल खांदे सी, होर चीज़ां खांदे सी, हुण कहिंदे कणक सानूं बड़ी सोहणी लगदी है, क्योंकि कणक विच सारी ताकत आ। दाल रोटी खाओ आंदे हुंदे सी, बड़ी महंगा नहीं गल करदा। सो वह कहिंदे सानूं कणक दिओ, साडे कोल तेल लै लो। मेरी गल दी समझ लगी साथीओ?
सो इस करके कणक ते लाया पैसा जा ही नहीं जाता। वो जड़ा पौने 2 लाख करोड़ रुपया चौलों ते कणक ते लाउणा फिर पैसे आ जाते। मेरी गल नूं समझे तुसी, झूठ मार दे। इस तरह तेलों के उत्ते दालों के उत्ते सारे 1.25 लाख करोड़ रुपया साढ़े ढाडा पैसा साड़ी विदेशी पैसा विदेशी मुद्रा का एक फंड बनया वा उहदे विच्चों कढ के 1.25 लाख करोड़ दे तेल ते दालां आउंदियां ने साल दा। वो बचेगा दालां मुड़ के लोकां नूं दिओ अद्धियां कीमतां दे दिओ। दालां दे बड़े पदार्थ बनदे आ, तेल दे बड़े पदार्थ बनदे आ, सूरजमुखी तो बड़े पदार्थ बनते। सो इस करके वो पैसा मैं किसानों नूं भैणां भरावां नूं कहिंदा वो जा ही नहीं जाता फिर आ जाता। फिर जक लख नहीं 4 लख करोड़ ने खर्च होना कदे कोई फसल आनी आ। मेरी गल ना सहमत जी हथ खड़ा करो, कदे कोई फसल आनी, कदे कोई फसल आनी आ। वो जक लख भी नहीं चाहिए, मैं तो कहना भी 1 लख करोड़ ही बड़ा वा, चक्कर दे जाओ। सो झूठ मार दे। ये मैं गांह नहीं गल खड़दा क्योंकि समा मैं भी जाना, दो मेरे साथी मगर बोलन डे आ, साडे ते रोज़ ही इल्जाम लगा लेट आउंदे जे लेट आउंदे जे लेट आउंदे जे। सो मेरी ये बेनती आ भी इस गल नूं समझ के। एक होर गल इहदे नाल बनन वाली आ, पिछलियां 5 सालां विच जिहड़े बैंकां दे डुब्बे पैसे आ, साडे नहीं डुब्बे, साडे कोल ते लैंदे आ गल च गूठ दे के लैंदे, नाले जे किसान कितें दब भी लैण उह बड़ा थोड़ा पैसा। जिहड़े गुजरात दे लोक पैसा लैके भज गए आ बाहरलियां देशां च, अबानी दानी उन्हां ने बड़े बड़े बूबे पैसे लैके ते मुड़ के दीवे जगाते आ, दीवे असीं ते जगाउंदे नहीं, किसान कदे अपना दुआला नहीं करदा। वह पैसे 15 लख करोड़ रुपया, समझ लगी मेरी गल दी? वो बैंकां दे पैसे खा गए आ, वट्टे खत्ते पाते 15 लख करोड़ रुपया। मैं ना कि 15 लख करोड़ किसानां दा 14 लख करोड़ का कर्जा वा सारे 29 सूबियां का, केंद्रीय शासित प्रदेश में 7-8 पा लो, ते नाल दी नाल फसलां खरीदण दे उत्ते कोई पैसा नहीं लगता। सो इस करके ये असी ज्ञानवान होवांगे, सूझवान होवांगे, फिर उन्हां दा मूँह भन्नांगे। दूसरी मैं गल करनी चाहुंदा काले कानूनां दी, जिहड़ा तोमर आ मोदी आ इन्हां नूं कलर ब्लाइंडनैस हो गई आ। अंग्रेजी समझोगे मैं पंजाबी, कलर ब्लाइंडनैस हुंदी आ भी बंदे नूं कोई रंग विखाओ तो उहनूं चिट्टा चिट्टा ही नज़र आ जाऊगा, कईआं नूं हरा रंग विखाओ कहूगा चिट्टा जी। इनू कलर ब्लाइंडनैस कहिंदे आ, इन्हां नूं हर चीज़ चिट्टी नज़र आउंदी आ, काला नज़र नहीं आउंदा। भी इन्हां कानूनां च काला कुछ नहीं, की मेरी गल नूं समझदे? सब उन्हां नूं चिट्टा ही चिट्टा नज़र आउंदा। भी इह आ मोदी दीआं चालां, उहदीआं तोमर दीआं चालां, सानूं समझ नहीं लगी, समझ सारी लग गई है। कारण इह आ भी साडी लुट करना चाहुंदे आ साडी। मैं कल भी कीती, 3 मावां हुंदीआं साडी मां दी कुख भी खराब करते हैं, उन्हों खुराक नहीं मिलती, बच्चा ठीक ज नहीं जमदा, वो करता, दिमाग का विकास नहीं होंदा। साड़ी माँ बोली खा गए, अज भी बड़े लेख लगे आ पंजाबी हरियाणी दी सारे सूबिया दी खा गए, अंग्रेजी 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 अंग्रेजी। मैंने याद, मैं 4th जमात च पढ़ा, मेरे ना साथी एक मुंडा पढ़ता सी, उन्हें अंग्रेजी के परचे से ज्यों लिखन दिया, तोते घुग्गियां पाई जाए गाड़ी, ये अंग्रेजी यानी पंजाबी खा गए, पंजाबी खा गए, पंजाबी खा गए। सो इस करके माँ बोली खा गया। इस तरह साड़ी जिहड़ी धरती माँ वा इहदे उत्ते आख्या। सो इस करके सारी गल है साड़ी धरती नूं बचाउण दी बड़ी वड्डी गल आ। एक ते कल समा मिलिया ते करांगे, धरती माँ हुंदी की आ, किवें बचाउणा करना वा। सो मैं अपने सीमित जाए समय 5-7 मिनटां च एक मैं तीसरी गल करनी। अज साडे दुआले इन्नियां कालियां शाह ऐसियां सरकार ने, RSS दे 25,000 बंदे सदे ही फड़दे उन्हां नूं रोज़,
इतना कुछ ऐसे लोग मीडिया से शरारत करते भी इन्हों को पैसा बहुत ज़्यादा साथी बैठे आ देंगे तुहानू चिट्ठा का। मैं सिर्फ ये कहना चाहना भी जदों किसी मोर्चे नू फेल करना होए तो उहदा पैसा बंद कर दिओ, उहदा पानी बंद कर दिओ, उहदी खुराक बंद कर दिओ, उहदी जबान बंद कर दिओ। मेरी गल दी समझ लगदी बीबी? वह चाहते आ भी इत्थे पैसे ना आउण। पैसे दी बहुत आ, मैं पुछण डिया रोज़ का खर्चा किन्ना? 5 लाख। आमदन कल हो ही नहीं, एवें 500-400। सो मैं इत्थों अपील करूँगा भई आओ जा, तुसीं कोई कितने झिझकिया ना करो भी मैं 100 दूँगा तो मैनू कह देणगे दरबारा सोने 100 दिता, भी कश्मीर सोने 200 दिता, ताड़ा 100-100, 200-200, 400-500, 1000-2000 इत्थे लखां रुपये बन जाए। सो इस करके आयद करो, किते ना मुड़ के इत्थे आउणो छड्ड जाओ भी तुहाडे को पैसे मंगणे, ना ना अपनी मर्जी ना तुसीं देणे आ। जिहड़े साथी मगरों आउंदे होर बड़े खर्च करने। अजनाले तों जिथे मैं रहण वाला ट्राली आउंदिआं 20,000 रुपया लगता, तो यार 1,000 मोर्चे का पा लीए 21 हो जाएगा। कि मेरी गल की समझ लग गई साथी? करो हाथ खड़े 21, अं 1,000 इतने पा दीए, ट्राली पिछे 1,000-2,000 पाई जाइए। इस तरह ही कहिंदे ओ जलेबियां पकौड़े जलेब खाण डे आ, ओ करन डे आ, उन्हां नूं रस्ता ना भेजो, इन्हां दीआं रस्ता बंद कर दिओ, पाणी बंद कर दिओ। आ पाणी असीं मुल लैण डे। इस तरह ही वह होर कई करतूतां करदे आ। कल उन्हां इक रैली कीती, मैं लंबी गल नहीं करनी, लोग नहीं आए, पर जिहड़ी ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 1,25,000 ਬੰਦਾ, 1,25,000 ਬੰਦਾ, 1,25,000 ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ? ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ 100 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ, ਆ ਗਿਣ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ। 25,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਦੁਪੱਟੇ 1 ਰੰਗ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਕਾਰੇ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਸੂਲ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ 2-3 ਨਹੀਂ ਆ, ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਹਦੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਈ ਚਿਰ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿਣਾ। ਧੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲਾ, ਬੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 4-10-A-8300 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ,